बदायूं से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। मामला जनपद के सेहत थाना क्षेत्र का है। यहाँ किन्नरों ने युवक का प्राइवेट पार्ट काटा और बेहोशी के हालतों से वहाँ छोड़कर फरार हो गए। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस आगे की पड़ताल में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किन्नरों ने युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में ही फेंक दिया। बेहोशी की हालत में उसे बरामद किया गया। मामले की सूचना परिवार वालों से मिलते ही युवक को जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के बाद होश में आए युवक ने सारा वाक्य बताया। उसने बताया कि जब वो शहर से वापस आ रहा था तो रास्ते में किन्नरों से पकड़ा, उसे बिस्किट मिलाया और वो बेहोश हो गया। युवक ने अंदेजा जताया कि उसे बिस्किट में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया, इसके चलते ही वो वहाँ बेहोश हो गया। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि इस मामले की पड़ताल आगे जारी है। आरोपी किन्नरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही किन्नरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उनके द्वारा युवक का प्राइवेट पार्ट काटने के पीछे के कारण भी जाना जाएगा। और साथ ही पुलिस ने कहा है कि किन्नरों ने आखिर युवक का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा, इसके पीछे की क्या वजह है, इस बारे में भी पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस कब्रिस्तान के आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही जहां युवक को नशीला बिस्किट खिलाया गया वहां भी पूछताछ जुटी हुई है।